लाना लाना ऐसे आओ गिर गिर ऐसे आओ गिर गिर पीलो पानी पीलो पानी पीलो पानी पीलो भैया ठंडा ले ले अरे उधर मत जाओ ये उधर मत मक्खी मत जाओ आज का होता ना तो हो जाता फिर ये हड्डी पूरी तरह से बाहर आ चुका है इसका। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अवध बिहारी और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अवध बिहारी में। दोस्तों, जीवों को बचाने का जो क्रम हमने जारी रखा था, आज उसी क्रम में हम आए हैं एक जगह पे। हमें जगह का नाम तो नहीं मालूम, हम भैया से भी पूछ के बताएंगे। इन्होंने अपने घर के अंदर एक बंदर को देखा था और इन्होंने वन विभाग की टीम को कॉल किया, फिर वन विभाग ने हमारा नंबर मिलाया और हमें यहाँ पे बुलाया है। तो आइए जानते हैं कि भैया ये गांव कौन सा है और इन्होंने बंदर कब और कहाँ पर देखा था। तो सबसे पहले भैया आप हमारे दर्शकों को ये बताइए ये जगह कौन सी है, अपना नाम और एड्रेस बताइए यहाँ पर। जी नमस्कार सर जी, ये गाँव पोटिया है और मोहल्ले का नाम डबरा पारा है। अच्छा, हाँ। तो मतलब बंदर कब देखा आपने? बंदर शनिवार को देखे सर। शनिवार को देखे जी, उसका एक पैर टूट चुका था। अच्छा, उसका स्थिति जो है दयनीय स्थिति में थे। अच्छा, मैं भी बाहर रहता हूँ, शनिवार को घर आया तो मेरे परिजन लोग बताए कि उसका पैर वह टूट गया है। अच्छा, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैं थाना कॉल किया था पहले। जी जी जी, थाने से वन विभाग का नंबर मिला जी, वन विभाग वाले सर लोग आप लोग को लगाए। अच्छा अच्छा, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बंदर कौन सी स्थिति में है, किस कंडीशन में है। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, जो मतलब पिछले दो दिनों से आप समझ सकते हैं कि उस बंदर को इन्होंने अपने मतलब बाड़ी में आश्रय दे के रखा, मतलब खाना पीना खा रहा है। तो देखते हैं हम वो जगह कौन सी है जहाँ पे भैया ने बंदर को सुरक्षित तरीके से मतलब रखा हुआ है पिछले दो दिनों से। और देखिए हमारे स्वागत में एक नन्ना मेहमान भी बिल्कुल पल के बिठाया बैठा है। और ये मतलब घर का ये पिछला हिस्सा है ना भैया? ये अच्छा बाड़ी है, ये सब्जी वब्जी लगाते हैं। हाँ, और शायद उसी को खाने की तलाश में ये यहाँ पे आया है और भैया ने उसको बड़े। और देखिए मैं बताना चाहूँगा कि हम आए उससे पहले ही हमारे वन विभाग की पूरी टीम यहाँ पे, हमारे दुबे जी भी, हमारे विकास सर जी भी और साहू सर भी पूरा मतलब निगरानी करते हुए बैठे हैं। तो एक बार हम जानते हैं अपने दुबे सर से कि इन्हें कॉल कब आया और कैसे इनको पता चला। सर जी नमस्ते। नमस्कार, तो एक बार बताइए सर जी कि आपने बंदर का मतलब कॉल आपके पास कब आया और किस कंडीशन में लोग मतलब लोगों ने बताया कि आपको यहाँ पे बंदर की जानकारी मिली आपको? सर शाम को मेरे पास कॉल आया था जी, अपने डिप्टी साहब के पास कॉल है, वो मेरे को इन्फॉर्म किए जी कि कल लेट हो गया था शाम को इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा, आज मॉर्निंग में आया देखे स्थिति उसका पैर टूटा हुआ है। अच्छा, चलने की स्थिति में नहीं है, अब इसको रेस्क्यू करके हम लोग ले जाके ट्रीटमेंट कराएंगे। जी जी, ट्रीटमेंट कराने के बाद इसको सही जगह पे इसको छोड़ेंगे। तो जैसा कि हमारे सर बता रहे हैं, इन्होंने सवेरे आके इनका मुआयना करके गए और बता रहे हैं इनके मतलब एक पैर टूट चुका है। क्यों सर जी? हड्डी बाहर आ गया, हड्डी बाहर आ गया है। आइए, आँख में भी चोट लगी इसके। तो सर जी मतलब ये किस प्रकार से मतलब लगा चोट, ये किसी गाड़ी वाड़ी ने मारा इसको या किस कहीं फिर? ये तो पता नहीं चल पा रहा है, चोट तो लगा कोई एक्सीडेंट है। ऊपर हड्डी बाहर आया ना। चल जाओ। इसका ये वाला हाथ, अच्छा स्पीड वाला हाथ भी कमजोर हो गया, मतलब हाथ और पांव दोनों में छोटा है। दोनों पैर में आया, हाथ में हाथ में दिख रहा है, हाथ वो बदल गया। मतलब ठीक है, भी नहीं आना तो देखना कैसे करते हैं। शायद मेरे ख्याल से इसकी ये आंख राइट साइड की जो आंख उसमें भी सर चोट है। हां चोट है ना आंख में, पेड़ से पेड़ पैर है डैमेज है सर, वो नीचे वाले। हाँ बस चल। हाँ कैसे करेंगे, रस्सी वाले बांधे लाई दाइली क्या ही ना आगे फंसेगा तो निकालने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ देखो कितना ताकत लगा रहा है, देखो हाथ से मेरे को लगा रहा ताकत होगा। एक हाथ में पैर रहे होगे का सर, नीचे वाले होते टूट गया ना, हड्डी टूट गई ना। नहीं पर हाथ मारेगा, ये वाला हाथ मजबूत है ना।
वो हाँ गल गए हैं सर, वो हाँ पैर है, ये समझ में ये पैर सीधा है, डैमेज है पूरा सर, लगता है करंट वगैरह लगा, मेरे को लगता है करंट लग, डाउट तो यार वही करंट काला काला हो गया पूरा वो। और देखिए दोस्तों इसकी जो पिछली टांग है लेफ्ट वाली, वो शायद गिरने की वजह से या किसी दुर्घटना की वजह से ये टूट चुकी है पूरी। और देखिए ये हड्डी पूरी तरह से बाहर आ चुका है इसका, और इसी वजह से ये बंदर कहीं आ जा पा नहीं पा रहा है। ये दो दिन हो गया ना बैठे इसको यहाँ, तो कुछ खा पा पी रहा है कि नहीं है? वो जम मारेगा, ऊपर जाने लगी यार, ऊपर जाने लगी, जाओ तो जाओ तरफ खेदार, यही तरफ खेदार लेफ्ट हैंड अभी जाते का पकड़ ये डाटा चलो मल्ला जाल पकड़ना जाल पकड़ी है ये सारा और दुए धर तीरे धर पकड़ जान धर पे फंस गया देख के सर बात मक्खी होती पेड़ में मत खा अरे उधर मत जाओ ये उधर मत मक्खी मत जाओ भागा क्या मत जाओ सर भाग ही समझ लो भाग गई अच्छा भी दीजिए मैं यहाँ से रस्सी देखा तो भागा हाँ हाँ पकड़ 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 नहीं भाग सका इसमें फिर भाग सका नहीं भाग नहीं सका मज़ा तो नहीं आती है एक बार फंदा ले ले रस्सी ढाल लेती है ना ढाल लेती अरे भयंकर बदमाश होते हैं जल्दी जल्दी बंद आए नहीं हो हो गया हो गया ले लो अब ले लो फंस गया फंस गया वो फंस गया ये रस्सी फंसा कैसे नहीं रहा ला पर अब सही आजा भाई इसका साथ नहीं है खसका देना हाथ में धर के गा काबर चाबी गा अभी चाबी कतेक ला चाप करी हाँ ऐसे अब गाय वो नहीं था मैं भूल के नहीं ब्लॉकी ब्लॉकी बजे रस्सी का सही से कल का बात ही था तुम देखा थे हो गए नहीं लगे वैसे करना गले में मत है बस हां बस उतने में पकड़ उतने में ओकर हाथ हाथ सब बंधा दे हां 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 हाथ बंधाना चाहिए फिर चाप दे मार चल बढ़िया हो गया सही हो गया जाने 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 मौत ना का हाथ है हाथ में एक रटो ये हो बराबर हो गया बस बस ठीक है हो गया हो गया हो बहन हां मौत पूरी हां जल्दी चल चल जाली ले लो जाली लेगा देखो सामने छूटे मत भैया रसील पकड़ अब नहीं छूटे ये रखना बोरी बोरी बोला ना पहले धर ले ना जमा के पहले धर ले धर ले हो पांच से छूटा मत एक बार रस्सी है यहां पर ऊपर इधर ये जान जा बाबू ये लगा पेल दे ये बना रे चल 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 ऐसे हाँ गिर गिर ऐसे हाँ गिर 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 हो गया ना हाँ हाँ
धीरे धीरे शाम हो गया। अरे खुद दोनों हाथ ला बांधन यहाँ सीधा रस्सी को ना हाथ पर बांधने लगी होगा। हाथ पर बांधो कर बात चल दो। सुतली उतली कहाँ है? दिखाओ तो पानी बोतल दिखाओ तो सारा थंब हम चल दे मम रे मम दूध पी लेंगे। ओ मोहन मां हो चुके ये बुरा ये थी दारू लाना जहाँ तक पियो दारू दे बोरी लेके सुन ना बोरी डर के मुश्किल ये रस्सी मत दो यार वो रस्सी नहीं हाथ कट जाएगा इसको मानो पैर में तो जरूरत नहीं लग रहा मेरे को। हो गया दूसरा हाथ दे राम राम बोल। भयंकर लगाते हैं पैर बन जाए। बुरा रस्सी नहीं भैया बुरा रस्सी अरे बैठ ना रुक जाओ महाराज थोड़ा सा बस। महाराज बेचारा गलत सबरेस खाए नहीं था ऐसे लेटा पुकार। अगर इसकी जगह अगर इंसान होता तो अभी कितना हाय तब मचा देता है ये। लेकिन ये बेजुबान बताओ कितना दर्द बर्दाश्त कर रहा है कितना सह रहा है ये। अब इसको थोड़ी पता है कि हम लोग इसको बचाने आए हैं। ये तो ये सोचेगा ना कि हमारा दुश्मन है करके खोलने में दिक्कत ना ऐसे कर लो ताकत नहीं लगा नहीं पाएगा खुलने खोल दे चलो उसको बोरा से वो खोल दे वासे ला ला सीधा फाड़ दे फिर बैठा दो गोदी में ले लेना। चल हवा आ रही है थोड़ा गर्म है आंखी भी लगी है ना नहीं लगेगा दर्द में का चिपरा आ गया था आंखी गाना बोरम भर के ले को भांचा कुछ कपड़ा लाओ तो निकाल दे कपड़ा लाओ तो साथ में पैर दबा लेना। अब आप साथ बैठ जाओ दबा लेना हाथ अरे हमको मार नहीं रहे भैया आप और दिखाते हैं दोस्तों हम आपको देखिए शायद बिछावे ठीक है ना आपको ठीक है कीचड़ आ गया था करके ना वो ऐसे दिख रहा था वो साले का दांत। अच्छा मारो ना कब से मारो नून डाल देती है देखो देखेगा तो मैं धुल गया बस आंख पड़ेगा नहीं
ठीक है पानी पी लो पानी पी लो भैया, गर्मी बहुत है। इंसानों का तो इतना बुरा हाल है, तो आप लोगों का हालत होता होगा। और देखिए दोस्तों, अभी तक जो हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था आक्रामक था, लेकिन अब देखिए किस प्रकार हमारे साथ प्लास्टिक रस्सी देने देने बांध देते हैं। कैसे मोहित खोले रहे थे ना सरकारी लेकिन ये गिरा हुआ है छलांग मारने में ना। हाँ गिरा हुआ ये शायद मेरे ख्याल से दूसरा पैर भी इसका चोटी है, दूसरा पैर। और देखिए दोस्तों किस प्रकार बिल्कुल जख्मी है ये, इसके पैर की पिछले जो है कुल्हे की जो हड्डी है वो बाहर आ चुकी है। तो इसको हम ले चलते हैं सबसे पहले तो हम डॉक्टर के पास, ताकि इसका पहले प्राथमिक उपचार किया जा सके। पकड़िए भैया, पकड़ दो सचिन, चलो चलो भैया पूछ पकड़ लो, पूछ पकड़ लो, पूछ पकड़ लो। प्रॉब्लम है करने के बाद कर भालू ये लो लो खाओ खाओ मुंह को छाड़ दिया ये कितने तकलीफ में भी यही जानता होगा। अगर इसकी जगह अगर मान लो कोई इंसान होता तो अभी तक कितना रोता गाता चिल्लाता, मेरा ये दुख रहा मेरा वो दिख रहा है, लेकिन बेचारा बेजुबान ये किसको बताएगा ये। हेलो खाओ 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 चलो नहीं खाएगा ये भी। हाँ चलो एक दर्द में भी बेचैन है एकदम। और दोस्तों यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ यहाँ के लोगों को कि इन्होंने बड़ी ही हिफाजत के साथ इसको संभाले रखा और इन्होंने इसको बचाने के लिए वन विभाग और हमारी मदद की यहाँ पे। डाल में जाली लात जाली ला धीमे नीचे में डाल। बाय, स्वस्थ होके और आना मेरे बाड़ी में, जाम खिलाऊंगा फिर। तो दोस्तों हमने बंदर का सफलतापूर्वक यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया है यहाँ पे, और हमने उसे गाड़ी में अपने डाल लिया है और ले चलते हैं उनको हम डॉक्टर के पास उनके प्राथमिक उपचार के लिए। और एक बार मैं पुनः सभी ग्रामीणों को और घर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की। सर एक ठोक सेल्फी। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए सब लोग। धारण भैया अलग उठा देंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम ले आए हैं इनको। आओ भैया तो ट्रीटमेंट हो पशु चिकित्सालय अजवारा में, ये मेरा घर और देखते हैं डॉक्टर साहब इसका ये वाले पैर है ना। थोड़ा ऐसे पलटी कर लेते हैं, एक ये ऊपर अंदर से देखते मान लो। अच्छा इधर इस पट्टी नहीं सकता, मान लो इधर लो धरना धरना दबा लगना का धरना 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 धरना
नहीं बैठे ना काटे लगे यहाँ से काटबे तभी अंदर हुई फिट हो हड्डी बाढ़ गई ना भैया खींचे ना तो दर्द हम व्याकुल होती उखल ले मस्त में दवाई भी लगा देता हूँ तो एक वो लगा दीजिए ना पहले इसको दर्द का लगाऊं तो बड़ी से करना तो आज की होती तो फिट हो जाती सो आज के होता ना तो हो जाता फिट हफ्ता 15 दिन हो गए है ना तो बदबू आता ना तुरंत में नहीं है दोस्तों यहाँ पे बंदर का हो चुका है प्राथमिक उपचार और आगे की जो भी प्रक्रिया है हम इसको ले चलते हैं हमारे सर लोग लेके जाएंगे सर्जन के पास हाँ।